हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली छोटा सा इंडियन एथनिक ट्रायन हॉल। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था सरोजिनी नगर मार्केट का एक छोटा सा टूर, जिसमें मैंने मार्केट का सारा एथनिक कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें आउटफिट, फुटवेयर, ज्वेलरीज, होम डेकोर आइटम, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आप मार्केट अगर विजिट करते तो दिवाली से पहले काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा। और इस वीडियो में मैंने सारे अच्छे अच्छे शॉप्स भी आप लोगों को रेकमेंड किए थे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लास्ट वीक जब मैं मार्केट गई थी तब मैंने वहाँ से कुछ स्टफ लिए हैं वहाँ से, लाइक एथनिक कलेक्शन। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज के इस ट्रायन हॉल में शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा ट्रायन हॉल पसंद आए, और उसकी सारी प्राइस डिटेलिंग और शॉप्स की डिटेलिंग आपको स्क्रीन पे ही दिखती रहेगी। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा आज का ये ट्रायन हॉल है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट जो आइटम है वो है ये प्लेन सा बेसिक कुर्ती। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, इसमें दो शेड्स है, और इसका मटेरियल कॉटन और लाइक्रा मिक्स्ड है, लाइक थोड़ा सा मिक्स्ड मटेरियल है। ये प्रॉपर कॉटन भी नहीं है, प्रॉपर लाइक्रा भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक इसको मैं विंटर में भी वेयर कर सकती हूँ, इवन मैं इसको समर के टाइम पर भी वेयर कर सकती हूँ। इसका कलर मेरे को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसमें टू टोन्स है, लाइक ब्लू एंड ग्रीन का शेड मिक्स्ड है। और इसमें इस तरह से छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है, कॉलर से लेके नीचे बॉटम तक इस तरह से। लाइक मैंने इसको पहले सोचा था ये स्लिट है, बट मैंने इसको बाद में देखा तो नहीं, स्लिट नहीं था। स्पेशली मेरे को इसका स्लीव एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इस तरह से लाइक ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जबकि मैंने मीडियम साइज़ लिया था। बेसिकली मेरे को मीडियम साइज़ अच्छे तरह से फिट हो जाते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। लाइक आप स्लीव देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे को इसको फिट करना पड़ेगा। नीचे थोड़ा सा रफल जैसा इसका डिज़ाइनिंग है, और मटेरियल गाइस बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पहनने के बाद। बस इसको मैं अभी थोड़ा सा ऑल्टर कराने वाली हूँ। और ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में पड़ा है, जो कि जस्ट लेडी का जो शोरूम है ना, वहाँ से ना आपको लाइन से बहुत सारी ऐसी स्टॉल्स दिखेंगी, लाइक 100 to 250 तक के रेंज में। वहाँ पर आपको कुर्तीज़, प्लाजो, इवन अभी विंटर कलेक्शन आया तो वहाँ पे आपको 80 रुपीज़ 50 रुपीज़ का स्टॉल भी दिखेगा स्वेटर्स का, तो आप वो लेन ज़रूर चेक करिए। मैंने जस्ट लेडी का जो लेन का जो कलेक्शन है मेरे प्रीवियस वीडियो में शेयर करा हुआ है, आपको स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो ये मेरे को 150 रुपीज़ में मिला है। नेक्स्ट मैंने और एक कुर्ती ली है। लाइक अगर लास्ट मेरा आपने ट्रायन हॉल देखा होगा, उसमें मैंने एक कुर्ती शेयर किया था व्हाइट कलर का, बिल्कुल सेम मैंने और एक कुर्ती लिया है, क्योंकि वो कुर्ती किसी को पसंद आया था, मैंने उनको दे दिया। सो सेम मैंने उसी तरह के एम्ब्रॉयडरी वर्क में, आप बोल सकते हैं इस तरह का, इसमें थ्रेड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। और इसमें ये बिल्कुल प्लेन बेसिक था, जिसमें मैंने ये नेक एरिया पे ये स्टोन लगाए हैं मैंने खुद से, ये कुंदन वाले स्टोन, एंड ये स्लीव पे भी मैंने लगाया था कि थोड़ा सा हैवी और अच्छा सा मेरे को स्टेटमेंट सा लुक दे, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये लाइक्रा एंड कॉटन मिक्स्ड मटेरियल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। तो इसको समर पर पहनूँ या विंटर में, ये ज़्यादा समर में ज़्यादा सही रहेगा, बट मेरे को इस तरह का व्हाइट कुर्ती काफ़ी टाइम से चाहिए था। और ये मैंने बिक्सी के लेन में, इस तरह के बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिलेंगे बिक्सी के लेन में, जहाँ पे शॉप नंबर 197 है, जहाँ पे सारा आपको बॉयज़ का कलेक्शन मिलेगा, उसी लेन में मेरे को स्टार्टिंग में एक स्टॉल दिखा था जहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ में ये कुर्ती ली थी। और सेम इस तरह के थ्रेड एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक प्लाजो कम शरारा। लाइक ये प्रॉपर फ्लेयर वाली, बहुत ज़्यादा हैवी वाली शरारा नहीं है, ये प्लाजो कम शरारा मेरे को लग रहा है, बट इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था। लाइक सिमिलर मैंने बहुत पहले एक लिया था, बट वो डिफरेंट कलर में था, और इस बार मैंने ये एमरल्ड ग्रीन कलर में लिया है। लाइक आप देख सकते हैं इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, अगेन इसका मटेरियल प्रॉपर कॉटन नहीं है, प्रॉपर लाइक्रा नहीं है, लाइक मिक्स्ड मटेरियल है। इसका पहनने में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऊपर यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है, लाइक इसको कोई भी पहन सकता है, ये फ्री साइज्ड है। आप यहाँ पे साइड में दो डोरी मिल जाती है, जिसको आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग टाइट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ से ना ये गोटा पट्टी वाला वर्क आता है नीस की यहाँ से, एंड देन यहाँ से सारा ये रफल्ड एंड फ्रील वाला आपको शरारा फील मिलेगा, जहाँ पर गोल्डन, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इट्स अ रबर प्रिंटिंग, गोल्डन कलर की रबर प्रिंटिंग करी हुई है, यहाँ पर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है,
एंड बॉटम पार्ट में यहाँ पे इस तरह का गोल्डन पर्ल लेस लगा हुआ है जो कि बॉटम पार्ट को थोड़ा सा हैवी रखता है, तो ये पहनने के बाद ओवरऑल काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। एंड मैं इसको किसी भी टाइप की यू नो इंडियन आउटफिट के साथ यू नो स्टाइल कर सकती हूँ, बिकॉज इस तरह का ग्रीन कलर ऐसा है कि हम किसी भी टाइप के कलर के साथ यू नो स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, पिंक हो, येलो, ब्लू, वाइट, ब्लैक, लाइक वट नॉट। लाइक ग्रीन बहुत अच्छा सा कलर है इंडियन आउटफिट को स्टाइल करने के लिए, और ये मेरे को 450 रुपीज़ में मिला है। उन्होंने 650 बोला था बट मैंने यू नो थोड़ा बहुत बार्गेन किया तो मेरे को 450 रुपीज़ में मिल गया था। सो आपको मार्केट में इस तरह के प्लाजो बहुत सारी मिल जाएंगी, बट अगर आपको अच्छी वाली प्लाजो की कलेक्शन चाहिए तो आप शॉप नंबर 168 पर विजिट करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि शॉप नंबर 168 कहाँ पर एग्जैक्ट पड़ता है, तो जाके वेट क्या कर रहे हो यार, देखो उस वीडियो को, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। सो गाइस, नेक्स्ट जो आउटफिट है वो है मेरा आज के इस हॉल में फेवरेट आउटफिट, वो है ये सामने से ओपन स्लिट काइंड ऑफ अ लॉन्ग अम्ब्रेला लाइक अनारकली काइंड ऑफ अ कुर्ती। और आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो कुछ लोगों को पता होगा कि मैं कौन से शॉप की अभी बात करने वाली हूँ, शॉप नंबर 97 जो कि अब्रोज सन्स के ऑपोजिट में है, वहाँ पर अमेजिंग कलेक्शन है गाइज, और मेरा वो वीडियो भी ज़रूर आप चेकआउट करिएगा आप लोग को अच्छे लोकेशन के लिए। तो ये जो अम्ब्रेला है ना, ये मैंने वहाँ पे देखा था, लाइक जब मैंने देखा मैंने सोचा कि मेरे को ये लेना है क्योंकि इसका कलर मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा कलर है, पूरा एक अच्छा सा फेस्टिव वाइब दे रहा है ये, और स्पेशली इसका जो मटेरियल है ना, ये यू नो ऑर्गेन्जा और कॉटन का मिक्स्ड मटेरियल है, थोड़ा सा ये सी थ्रू मटेरियल है, तो इसके अंदर कुछ ऑब्वियसली वेयर करना पड़ेगा, कोई शॉर्ट कुर्ती या फिर शॉर्ट यू नो टॉप और स्कर्ट या फिर किसी भी लॉन्ग कुर्ती के साथ हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसको सिंपल इस तरह से नहीं पहना जाएगा बिकॉज इसका जो नेक है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा सा प्लंज वी नेक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे यू नो ये छोटी सी डोरी दी हुई है इसको टाई करने के लिए। इसका जो ये गोल्डन फॉइल प्रिंटिंग करा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, आप देख सकते हैं, इसका क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है। इसका स्लीव में इस तरह से प्रॉपर ये यू नो डिज़ाइनिंग करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और बिल्कुल प्लेन है। फिर नीचे जाके अगेन इसमें काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइनिंग करा हुआ है इस तरह से, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस है। लाइक इसको मैं किसी भी टाइप के कलर के आउटफिट के साथ ही उन्होंने स्टाइल कर सकती हूँ, और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने 750 इसका चार्ज बताया था बट मैंने इसको कम करा के थोड़ा सा 550 रुपीज़ में लिया है क्योंकि इसमें साइज़ ऑप्शन उनके पास है, तो गाइज़ आप वहाँ पर जाके उन्होंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उनके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज सारे साइज़ अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके मेरा वीडियो दिखा सकते हैं कि ये वाला पीस हमको चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि वो लोग डेली डिस्प्ले के लिए यू नो अपने सारे आउटफिट के पीसेस चेंज करते रहते हैं, तो हो सकता है जिस दिन आप जाए वहाँ पे वो डिस्प्ले में ना रहे, तो आप मेरा वीडियो दिखा के या फिर पिक दिखा के यू नो ये वाला पीस ले सकते हैं, उनके पास साइज ऑप्शन है बट इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं है, मैंने उनसे पूछा था, तो मेरे को ये 550 रुपीज़ में काफ़ी ब्यूटीफुल से पीस मिला है। और आउटफिट है वो अगेन मैंने शॉप नंबर 97 से लिया है। ये जब मैंने प्रोडक्ट देखा तो मेरे को लगा कि नहीं इसमें साइज़ अवेलेबल हो या ना हो, मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है बिकॉज ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इसका कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यू नो बहुत ही ज़्यादा लाइट एशी सा ग्रे कलर है जिसमें थोड़ा सा वाइट कलर का डिटेलिंग करा हुआ है, पूरा कॉटन का मटेरियल है। यूजुअली जो होते हैं ना इस तरह के आउटफिट्स हम लोगों को मिंत्रा या फिर ऑनलाइन किसी भी शॉपिंग साइट में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, और जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं होते प्रोडक्ट से क्योंकि वो उसका डिज़ाइन और उसका मटेरियल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्रॉपर कॉटन का है, इसमें ये कुर्ती मिल जाती है और इसी के साथ ये अटैच्ड है, यू नो ये इसी के साथ सेपरेट है। इसमें ये थोड़ा सा मेस्ड अप काइंड ऑफ इसका लुक है, इसका लॉन्ग स्कर्ट का, जो कि बहुत ही ओवरऑल बहुत ही क्लासी एंड ग्लैम सा इंडियन लुक देता है। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको स्टाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसका प्राइस उन्होंने 650 बोला था बट मैंने बार्गेन करके इसको 450 रुपीज़ में लिया है। तो इस नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पीस है, इस तरह का ब्लैक लाइक आप देख सकते हैं, ये जॉर्जेट मटेरियल है और यू नो इसका नेक से लेकर पूरे नीचे बॉटम तक ना ये रफल वाला वर्क करा हुआ है जो कि इसमें चार चांद लगाता है, और ये मैंने शॉप नंबर आई थिंक 198
196 के बाहर ही एक 50 रुपीज़ का स्टॉल है जहाँ से मैंने ये लिया था. वहाँ पे 50 रुपीज़ के स्टॉल में से मेरे को ये ब्यूटीफुल से एक श्रग मिला जिसको मैं इंडियन आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. चाहे मैं कुर्ती पहन रही हूँ या फिर शॉर्ट कुर्ती पहन रही हूँ या फिर कोई ब्यूटीफुल सा एक यू नो मिरर वर्क क्रॉप टॉप वेयर कर रही हूँ प्लाजो के साथ मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ. बहुत ही एलिगेंट सा लुक देगा इसमें. यू नो इस तरह से डोरी है टेजल के साथ जिसको मैं अपने वेस्ट लाइन में टाइट करके वेयर कर सकती हूँ. इसका स्लीव एरिया मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक कुछ इस तरह से इसका स्लीव है. वेट मैं आपको ना दिखाती हूँ लाइक ये कैसा लगेगा. बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लुक है. लाइक इस तरह से यू नो इसका कुछ लुक है इसके स्लीव का. ओके लाइक प्रॉपर ये लूज है यहाँ से ओपन एंड यहाँ से इसका स्टिच्ड करा हुआ है. बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ से ये प्रॉपर ये रफल डिटेलिंग है जो कि बहुत ही एलिगेंट सा लुक देता है. और ये प्रॉपर लॉन्ग है. तो मेरे को ये प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में मिला जिसका मटेरियल अमेजिंग है और बिल्कुल फ्रेश पीस है. कहीं पे भी कुछ यू नो रिप नहीं था, कुछ भी स्टेन नहीं था. सो मैं बहुत सेटिस्फाई उस प्रोडक्ट से. सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने लिया है एक ब्यूटीफुल सा कलरफुल दुपट्टा. और ये है ये बंदेज जयपुरी दुपट्टा. लाइक इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस है. लाइक आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. इसमें मेरे दुपट्टे में टोटल 4 शेड्स है. लाइक मजेंटा पिंक है, वाइट है एंड येलो है, ब्लू है. या इस तरह की शेड्स है इसमें. और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेटी लगा ये दुपट्टा. और स्पेशली इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. तो मैं इसको बहुत सारे कलर के कुर्ते के साथ मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ. स्पेशली मेरे को इसका बॉटम पार्ट ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा. यू नो इसमें चार चार लगाती है छोटे छोटे से यू नो पॉम पॉम. लाइक कलरफुल पॉम पॉम वाले टेजल इसमें लगे हुए इस तरह से बाउंड्री में. तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है. और मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये 100 बक्स में मिला. लाइक 100 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है दुपट्टे का. तो मार्केट में आपको इसके अलावा भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मटेरियल के आपको दुपट्टे 100 रुपीज़ टू 250 रुपीज़ के रेंज में मिल सकते हैं. सो दिस माय लास्ट प्रोडक्ट. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस हॉल. आई होप कि आप लोग को मेरा आज का छोटा सा एक इंडियन एथनिक ट्राई ऑन हॉल पसंद आया होगा. और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ब्यूटीफुल से इयररिंग्स कहाँ से लिए तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए. मैं आप लोगों के साथ सरोजिनी नगर का एंटायर ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कहाँ से मेरे ज्वेलरीज में स्पेशली परचेज करती हूँ उनकी कलेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई होप कि आप लोग को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए तरीके के साथ. तब तक के लिए मुझे मेरी स्टे होम स्टे सेफ. बाय बाय.